बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों। यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपको एक मरतबा फिर अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, ईटा वाले इंशाल्लाह 27 फरवरी को एसएसटी जनरल का एक टेस्ट कंडक्ट करेगा। उसके तकरीबन मेरे ख्याल में रोल नंबर अपलोड होना शुरू हो चुके हैं। आप ईटा साइट पर विजिट करके अपना रोल नंबर स्लिप वहां से ले सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले ये एक 2021 का पेपर हुआ था, ईटा टेस्ट, ईटा वालों ने ये कंडक्ट किया था एक्सफाटा डिस्ट्रिक्ट के लिए। उस पेपर को मैं यहां पर आपके लिए फुल साल पेपर यहां पर लाया हूं। उसका पार्ट फर्स्ट तकरीबन 25 एमसीक्यूज इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये पेपर इंशाल्लाह आपको आने वाले पेपर में मददगार साबित होगा। तो कीप इन टच विद यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर। और मेरा जो चैनल है इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और फीडबैक देने के लिए मुझे कमेंट्स भी करें। अगर आपके पास कोई पास्ट पेपर है इसके हवाले से तो मुझे आप सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03449788444 पर। चलते हैं पेपर की जानिब। पेपर में हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू जो है, फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु सेट यू ऑन टू डू इट। तो चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। तो इसमें हमारे पास जो ये अंडरलाइन वर्ड जो है सिट यू ऑन, इसका करेक्ट मीनिंग हमारे पास क्या है? तो इसको हम कहते हैं इंस्टिगेटेड। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है, इंस्टिगेटेड। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, एडगर इन द प्ले किंग लियर डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ एज मैड बेगर कॉल्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये एक सेंटेंस है, इसमें हमारे पास करेक्ट वर्ड कौन सा आएगा, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा ताकि फिक्रा मुकम्मल हो जाए। तो इसको अगर हम यहां पर देख लें, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ठीक है, पुअर टॉम। एडगर इन द प्ले किंग लियर डिस्टिंग्विशेस हिमसेल्फ एज मैड बेगर कॉल्ड पुअर टॉम, ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, ही हैज मैनी माउथ टू फीड। द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह हमारे पास एक सेंटेंस है, ये किस का एग्जाम्पल है हमारे पास? तो यहां पर अगर हम देख लें, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ठीक है, स्नैक डो, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, एलोजन रिफर्स द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट आंसर। एलोजन रिफर्स द फॉलोइंग, तो यहां पर दो ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर समझा दूं कि एलोजन जो रिफर करता है तो हमारे पास अ रेफरेंस ऑफ पास्ट पर्सन आर थिंग, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन आपका जहन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाएगा। ये इसके टाइप्स हैं, ये एलोजन के टाइप्स है, आपने ये नहीं क्लिक करना। सही है, ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है, अ रेफरेंस ऑफ पास्ट पर्सन और थिंग। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास, आई वॉज अ बिट एप्रिहेंसिव ब्लैंक है द थॉट ऑफ अटेंडिंग द फेस्टिवल। तो इसमें हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर फाइव में, आई वॉज अ बिट एप्रिहेंसिव एट द थॉट ऑफ अटेंडिंग द फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर डी इसमें आएगा एट। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास, सच वॉज नॉट माई इंटेंशन। सच अंडरलाइन वर्ड हमारे पास क्या है? सच है। द अंडरलाइन वर्ड इज इन अ सेंटेंस इज, तो अंडरलाइन वर्ड यहां पर इस सेंटेंस में हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमारे पास अगर हम यहां पर देख ले, ये प्रोनाउन है, ये हमारे पास क्या है? सच हमारे पास प्रोनाउन है। सच वॉज नॉट माई इंटेंशन, तो सच इस फिक्रे में हमारे पास प्रोनाउन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ड्रीम्स What will happen if our dreams die? तो according to dreams, what will happen if our dream die? जब हमारे ख्वाब मुरझा जाएं, तो क्या होगा? Life will be hopeless. नाउमीदी, जिंदगी में नाउमीदी आएगी। Life will be hopeless. ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है, लेकिन आपने कभी भी नाउमीद नहीं होना।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ब्रिंग दीज बिस्किट्स विद यू ब्लैंक यू गेट हंग्री ऑन द जर्नी। इसमें जरा मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहां पर दो ऐसे हैं अगर आप सर्च कर लें, एक आता है ब्रिंग दिस बिस्किट विद यू इन केस यू गेट हंग्री ऑन द जर्नी, लेकिन अगर हम फॉर लगाएं ब्रिंग दिस बिस्किट्स विद यू फॉर यू गेट हंग्री ऑन द जर्नी, तो मुझे तो ऑप्शन नंबर डी ठीक लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है फॉर। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 इस्लामियात से है। मैं आपको बताता चलूं कि जनरल एसएससी जनरल में ज्यादातर एमसीक्यूज आपको इंग्लिश से आएंगे, तो आपने इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कुरान मजीद में कुल रुकू कितने हैं, तो कुरान मजीद में कुल रुकू 558 है, ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है 558। अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इफ ए हैज टू एलिमेंट्स एंड बी हैज थ्री एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी इज। हमारे पास ए में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं और बी में हमारे पास बी सेट में हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, तो इसका बाइनरी रिलेशन हमारे पास क्या आएगा, तो 2 over 3, 2 3 6 टू टू रेस्ट ऑफ पावर 6 हमारे पास आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 2 raised to power 6। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास नेक औरतें फरमाबरदार और शोहर की अदम मौजूदगी में होती है, खामोश मोहतात मर्द मुहाफिज, नेक औरतें फरमाबरदार और शोहर की अदम मौजूदगी में मुहाफिज होती है, ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिक्स से है, क्वेश्चन नंबर 12, क्यूब रूट ऑफ 343 इज, तो इसका क्यूब रूट हमारे पास क्या आएगा, यानी ऐसा लफ्ज़ या ऐसा नंबर हम यहां पर देख लें कि उसका हम क्यूब ले लें तो हमारे पास 343 आ जाए, तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर 7, यानी 7 multiply 7 multiply 7 इट विल बी इक्वल टू 343, 7 7 49 एंड 49 7 3 4 3, ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है 7। अगला क्वेश्चन जनरल साइंस से है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये हमारे पास, आपने जनरल साइंस को भी कवर करना है, जनरल मैथ्स को भी कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन दैट इज के एन ओ थ्री इंटू के एन ओ टू प्लस ओ टू, इस इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है। यहां पर अगर हम देख लें के एन एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन यहां पर 3 है और O2 यहां पर O2, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा यहां पर, तो अगर हम ऐसे करें कि इसको 2 से मल्टीप्लाई दे दें तो 2 3 6 और फिर इसको 2 से दे दें मल्टीप्लाई तो 2 2 4 4 4 6 हो जाएगा और ये भी 2 2 हो जाएगा, तो हमारे पास इसमें अगर हम देख लें ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 2KNO3 इंटू 2KNO2 प्लस O2, यहां पर आप चेक कर लें 2 3 6 ऑक्सीजन 6 हो गए, के और एन 2 हो गए, 2 2 2 4 ये के और एन 2 हो गए, 2 2 4 4 और प्लस 2 6, ऑक्सीजन में हमारे पास क्या हो गए 6 हो गए, सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, सर सैयद अहमद खान रिटायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश सर्विस एज, तो सर सैयद अहमद खान जब ब्रिटिश सर्विस से रिटायर हुए तो वो एज अ जज काम कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है जज। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेंजा, स्टेंजा का क्या मतलब है, चूज द करेक्ट आंसर, तो स्टेंजा हमारे पास है अ डिवीजन ऑफ पोएम, अ डिवीजन ऑफ पोएम, ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है, आई लव पिज्जा ब्लैंक है, मोस्ट डे आई ईट इट फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजंक्शन, इसमें कंजंक्शन सुटेबल कौन सा आएगा, आई लव पिज्जा, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, देयरफॉर मोस्ट डे आई ईट इट फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है देयरफॉर। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, आई हियर माई सिस्टर ब्लैंक ऑन फोन, आई हियर माई सिस्टर टॉकिंग ऑन फोन
फोन। तो ऑप्शन नंबर बी 17 में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आएगा टॉकिंग, ऑप्शन नंबर बी टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 18 की जाने बढ़ते हैं। माई मदर टोल्ड ब्लैंक है द रिपोर्ट बिफोर फ्राइडे, सो इसमें अगर हम चेक कर लें मी फॉर डूइंग, ऑप्शन नंबर डी माई मदर टोल्ड मी फॉर डूइंग द रिपोर्ट बिफोर फ्राइडे, ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास द डॉग डिग्स अंडर द फेंस, तो द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ, अंडरलाइन पार्ट हमारे पास है अंडर द फेंस, तो ये हमारे पास कौन सा फ्रेज है। अगर इसको हम यहां पर चेक कर लें तो हमारे पास ये है एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज है, ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है एडवर्ब फ्रेज। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास द लाइट एट द फ्रंट डोर सडनली वेंट आउट, सो द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज, इसमें हमारे पास एट द फ्रंट डोर ये अंडरलाइन है, ये पार्ट इस सेंटेंस में क्या है, तो ये पार्ट इस सेंटेंस में हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास पाक चाइना, पाक चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट वाज सेटल्ड इन, तो ये 1963 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी 1963 में सेटल हुआ था, 1963 ऑप्शन इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास एन असेसमेंट दैट इज कैरिड आउट थ्रू द कोर्स इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, पेडागॉजी से लिया गया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू इकबाल फिलॉसफी, अकॉर्डिंग टू इकबाल फिलॉसफी इट इज नेसेसरी फॉर अ स्टूडेंट टू फॉलो अदर नो टू फॉलो टीचर्स, अकॉर्डिंग टू इकबाल फिलॉसफी इट इज नेसेसरी फॉर अ स्टूडेंट टू फॉलो टीचर्स, ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। इकबाल की फलसफे के मुताबिक स्टूडेंट के लिए यह जरूरी है कि वो अपने टीचर को फॉलो करें, तो टू फॉलो टीचर्स ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास द रिवाइज पे स्केल इज यूनिफॉर्म, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, इस सेंटेंस के मुताबिक रिवाइज, रिवाइज का अपोजिट यहां पर डिफरेंट अपोजिट वेरिड ये नहीं है, इसमें इक्वल ये ऑप्शन ठीक है, आप इसको खुद भी जरा चेक कर लें, इक्वल द रिवाइज पे स्केल इज यूनिफॉर्म, तो इसमें अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट मीनिंग जो है वो है इक्वल। अगला क्वेश्चन हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये, द एफ्लुएंट ऑफ मोस्ट विजिटिंग अरब इज एस्टोनिशिंग, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, तो इसमें हमारे पास एफ्लुएंट का नियरेस्ट मीनिंग वाला लफ्ज जो है यहां पर अगर हम चेक कर लें तो ऑप्शन नंबर बी वेल्थ, वेल्थ है हमारे पास। दोस्तों ये पार्ट फर्स्ट था SST जनरल का, जो टेस्ट इंशाल्लाह आने वाला है वो इसके हल करने में आपको मददगार साबित होगा, और टेस्ट किस टाइप का होगा इसलिए मैं आपके लिए अपलोड करने जा रहा हूं। मेहरबानी करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बकाया पार्ट्स भी इंशाल्लाह मैं आपके लिए जल्दी अपलोड करने वाला हूं, सो कीप इन टच विद माय चैनल यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर। जाते जाते वीडियो को एक लाइक भी दे दें, शुक्रिया।